पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि पिछले कई सालों से भाजपा सरकार की कुनीतियों के कारण सिंगरौली क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनते ही जिले की सारी समस्याओं को दूर करने का वादा किया है। कमलनाथ चुनावी तैयारियों का जायजा लेने सिंगरौली पहुंचे थे। प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि कई सालों से इस क्षेत्र में भाजपा का शासन है। ऊर्जा राजधानी के लोगों को भाजपा ने अपनी कुनीतियों की वजह से सभी मूलभूत सुविधाओं से हीन कर दिया है। जब मैं इस जिले की तरफ देखता हूं तो मुझे दुख होता है कि सिंगरौली का धन उसके विकास कार्यों में नहीं लगाया गया। कमलनाथ ने कहा कि दिसंबर 2018 में जनता ने बहुमत देकर हमारी पार्टी को जिताया था। हमारी सरकार 15 महीने ही चल पाई थी, लेकिन इन 15 महीनों में ही हमने बहुत कार्य किया था। उन्होंने 2020 में नोटों से विधायकों को खरीद कर सरकार गिरा दी। अब वही नोट यह आपसे वसूल रहे हैं। ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा, बर्बादी करके पूरा प्रदेश बर्बाद करके मुझे सौंपा था, जो बेरोजगारी में नंबर वन, जो किसानों की आत्महत्या में नंबर वन, महिलाओं के अत्याचार पर नंबर वन। हमने एक शुरुआत करी थी, अपनी नीति और नियत का परिचय दिया, हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत हुए। दिसंबर 2020 में वोटों से कांग्रेस की सरकार बनी थी, वोट से कांग्रेस की सरकार बनी थी। 15 साल कांग्रेस की सरकार चली, 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली और तब नोटों की सरकार बनी। जो सरकार नोटों से बनेगी वो तो आपसे ही आगे नोट लेंगे और वही काम वो कर रहे हैं। जो नोट वो आपसे वसूल करते हैं, ये नोटों के बल पर बनी हुई सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारा चुनाव केवल बीजेपी से नहीं है, बल्कि बीजेपी के पूरे संगठन से है। जब तक हमारा संगठन कमजोर रहेगा तब तक बीजेपी मजबूत रहेगी। हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। नाथ ने कहा कि सिंगरौली के धन पर पहला अधिकार यहां की जनता का है। हम जनता को कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यह अधिकार देंगे। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में भले ही शिवराज ने सड़क बना दी हो, लेकिन सिंगरौली से सीधी तक की सड़क आज तक नहीं बनी। 20 साल हो गए शिवराज सिंह। आज हमारे पत्रकार साथी से पूछा रहे सुबह, कमलनाथ जी के इंतजार कर रहे कि सिंगरौली से देवसर आने में कितना टाइम लगा। 20 साल से गोद ले कहीं 2.5 घंटा, 1.5-2 घंटा सीटी से। अरे जब हम युवा रहे मोटरसाइकिल से चुरहट से फुटा 1.5 घंटा में पहुंच जा, लेकिन आज जौने जिरन का गोद ली शिवराज सिंह जी, वन हम पंचिंग की हालत ऐसा नहीं। पूरे मध्य प्रदेश में सड़क बन गए, चुराहट में तो टनल बन गया, बहुत जगह दिखे लोग पहाड़ के अंदर से टनल बन गया, लेकिन सीधी से सिंगरौली की सड़क आज तक नहीं। जब वो सड़कें नहीं बनी तो हम पंचे अपने गोद ले वाले का छुट्टी की जाए कि नहीं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।